باب الحلم والأناة والذكر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ये बाब है हिल्म का, बुर्दबारी का, संजीदगी मतानत का और नरमी का। मिजाज अलग अलग होते हैं। बाज़ ऐसे मिजाज होते हैं कि तबाहन उनके अंदर नरमी होती है, ठहराव होता है, और वो जो काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, फैसला करते हैं गौर व फिक्र करके करते हैं, मामला करते हैं सोच समझ कर करते हैं। उनका कोई काम रद्द अमल के तौर पर नहीं होता, बल्कि वो ये देखते हैं कि हमें क्या इकदाम करना चाहिए, किस तरह मामला करना चाहिए। उसका मामला जो भी हो, वो ये देख कर मामला नहीं करते कि उसने हमारे साथ बुराई की तो हम उसके साथ बुराई करें, उसने हमारे साथ सख्ती की हम उसके साथ सख्ती करें, उसने हमारा हक अदा नहीं किया हम उसका हक अदा नहीं करें। उनका ये तरीक़ा नहीं होता। ये तरीक़ा तो ऐसे लोगों का होता है जिनके अंदर हल्कापन होता है, जिनके मिजाज में ठहराव नहीं होता, वो किसी चीज़ पर मुतमईन नहीं होते और ये चीज़ पसंदीदा नहीं। हमसे ये मुतालबा है कि हम सही बात को सही समझें और सही समझकर हमें फैसला करना, हम किसी के तर्ज अमल को देखकर फैसला ना करें, हम हकीकत को समझें। इसलिए कि अगर ये सिलसिला शुरू हुआ रद्द अमल का तो फिर रुकता नहीं। आप देख लीजिए ज़माना जाहिलियत में क्या तमाशे होते थे, चाहे वो जंगे बुआस हो या और तवील तवील जंगे हो, वो क्या था? वो सिर्फ रद्द अमल था। उसने एक मारा हम दो मारेंगे, उसने दो मारे हम चार मारेंगे। खानदानों में जब ये झगड़े होते थे तो बाज़ मरतबा बरसों चलते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे, खानदान के खानदान साफ हो जाते थे। ये ऐसी चीज है कि ये किसी के लिए भी बेहतर ना हो सकती है और ना इसके नतीजे में बेहतर समाज वजूद में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। और आज मौजूदा दौर में ये सूरत हाल फिर दोबारा पैदा हो गई। जाहिलियत नए नए रंग में और नए नए रूप में आ रही, शक्लें अलग अलग हैं, बातें वही सब हैं। जिसको हमारे भाई इमाम अब्दुल्ला हसनी साहब फरमाते थे कि जाहिलियत पढ़ लिख गई है, बस ये फर्क हुआ है। पहले जाहिलियत जाहिल थी, अब जाहिलियत पढ़ लिख गई है। पहले गिराकट होते थे, रास्ते से जेब काटते थे, और अब आसानी के साथ पेट चाक करके गुर्दे चुराते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और आगे जाइए मुल्कों का, बड़े बड़ी ताकतों का हाल क्या है,
पहले कोई एक आदमी दूसरे आदमी पर हमला करता था, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता था, खुली खुली बातें थी। और आज हाल ये है कि देखने में तो बड़े शरीफ, बड़े रख रखाव वाले नजर आते हैं, लेकिन मुल्कों को हड़प कर जाए, कौमों को हड़प कर जाए, ये लोगों को सलीका आ गया है। क्या है का जमाना जाहिलियत में जो कुछ होता था उन्हीं चीजों को आज भी अख्तियार किया जा रहा है, लेकिन बहुत सलीके मंदी के साथ किया जा रहा है। इसी को कहते हैं जाहिलियत पढ़ लिख गई है और बाकी कुछ भी नहीं। दुनिया का जो समाज है इस वक्त वो सब देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। किसी को सुकून नहीं है, ना किसी फर्द को, ना किसी सोसाइटी को, ना किसी मुल्क को। एक मुल्क को बड़ी बड़ी ताकतें हासिल हैं, सुपर पावर हो या एटमिक पावर उसके पास हो, सब कुछ हो, लेकिन वो आगे देखता है और 10 खतरात उसके सामने होते हैं, और फिर ये जो कुछ कर चुका है वो जानता है कि उसके बाद हमारे साथ भी तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। कोई ठहराव नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं दुनिया के लिए। अपनी जिंदगी आदमी की अजीरन हो जाती, कभी उसको सुकून नहीं मिलता। तो हमको ये हुक्म दिया गया है कि अपनी जिंदगी में एक तरह का हम ठहराव भी पैदा करें, गौर करें, सुकून के साथ आगे बढ़ें, और फिर हम फैसले रद्द अमल के तौर पर ना करें, ये देखकर करें कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे सामने कौन है और उसका हम पर क्या हक है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये आदमी अगर सोचे तो समाज जन्नत बन जाए और सारे दलिद्दुल दूर हो जाए, सारे मसाइल हल हो जाए। और इसमें तीन सिफात यहाँ बयान की गई हैं और तीनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बुध बारी है, मतानत है, संजीदगी है, और फिर नरमी है। आमतौर से जिन जिन मिजाजों में नरमी होती है तो वो इन चीजों का आसानी से अख्तियार करते हैं, और जिन मिजाजों में सख्ती होती है वो आसानी से सुनने को तैयारी नहीं, नहीं हम नहीं मानते, हम तो वो करेंगे जो हमारे समझ में आएगा। उसने ऐसा क्यों किया, हम नहीं माफ कर सकते, इसको पसंद नहीं किया गया। और जो वाकयात भी हैं कि मतलब किसी सहाबी को तो किसी बात पे गुस्सा आया, कसम खाई उन्होंने कि हरगिज माफ नहीं करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाई बात हो। आपने पीछे से पूछा कौन है भाई, कौन कसम खा रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे। अब जब देखा अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल जो आप फरमाएंगे वो करेंगे, जो आप फरमाएंगे वो करेंगे, हमारी क्या है हकीकत, सब क्या राय हमारी। वो तो हाल ये था उनका कि जहां कर दिया गर्म गर्मा गए वो, जहां कर दिया नर्म नर्मा गए वो, शरीयत के कब्जे में थी बाग उनकी। ये असल बात, उनकी बागडोर शरीयत के हाथ में। तो आदमी अपने को कंट्रोल में रखे, उलार ना हो, जिसको कहते हैं हमारे उर्दू में उलार हो गए हो, अब वो बात समझते ही नहीं, तो ये पसंदीदा बात नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है खुद अमर बिलआर्फ व अरिद अनिल जाहिलीन, आप वो दरगुजर से काम लीजिए और अच्छी चीजों का हुक्म कीजिए और जहालत करने वालों से एराज कीजिए, जहालत करने वालों से एराज कीजिए। ये असल बात खास तौर से यहाँ पर, एक तो ये हुक्म है कि भाई अफो दरगुजर से काम लिया जाए लोगों को, लोगों की गलतियों पर जो तुम्हारे साथ बदसलूकी हो रही है उस बदसलूकी पर उनको माफ कर दिया जाए और भलाइयों का आम किया जाए। ये बात यहाँ कही जा रही है, वो इसलिए कही जा रही है कि एक की गलती पर तुम दूसरी गलती अगर कर रहे हो तो उसके नतीजे में मुनकरात बढ़ेंगे, बुराइयां बढ़ेंगी, और एक की गलती पर अगर तुम सही रास्ते पर आओगे तो हो सकता है कि वो भी अपनी इसलाह कर। हजरत ख्वाजा साहब जो बात कहते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे डालता है तो तुम उसके रास्ते में फूल डालो, इसलिए कि अगर तुम फूल डालोगे तो कुछ तो खुशबू महकेगी, और कांटे डालोगे तो कांटे ही कांटे हो जाएंगे फिर तो। और फिर ये कि अगर तुम उसके रास्ते में, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे डालना है, फूल डालोगे तो आज नहीं तो कल सोचेगा कि हम तो कांटे डालते थे ये फूल डालते हैं, ये तो कोई हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे।
ये चीज उसकी इसलाह का जरिया बन जाएगी। और अगर तुम भी कांटे डालोगे तो फिर क्या होगा, कांटे ही कांटे नजर आएंगे। बुराइयों पर अगर बुराइयां होंगी, बस सलूकियों पर अगर बस सलूकियां होंगी, तो क्या नतीजा निकलेगा समाज में सिवाय बस सलूकियों के, बुराइयों के कुछ रह जाए। इसी हुक्म है वह अमर बिल औरफी, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम्हारा काम तो अच्छाइयों का काम करना है, वो अच्छाइयों की तलकीन करना और उसको फैलाना है। और वह आरिद अनिल जाहिलीन, देखो जाहिलों से, जहालत करने वालों से, जाहिलों से ज्यादा इसको तर्जमा उर्दू में किया जाएगा तो जहालत करने वालों से एराज करो। जहालत करने वाले कौन होते हैं? वो जिनके अकल शायद तलवों में होती है या जो भी होता है, कोई बात नहीं ऐसी कह देंगे, बिल्कुल कोई उसकी मुनासिबत नहीं, कोई उसका मौका नहीं, ना बहुत ही नामुनासिब सी बात कह देंगे। अब अगर आप ऐसे लोगों से भिड़ जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा उसका, फिर तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप गुजर जाइए, एराज कीजिए, हो रहा है होने दीजिए, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए। ये एराज फैदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, इबादुर रहमान अल्लाह के खास बंदे, उनकी सिफात बयान की गई उनमें भी है कि जब जाहिल जाहिल तरह के लोग, जहालत करने वाले लोग उनको मुखातब करते हैं तो वो कालू सलामा, साहेब सलामत करके गुजर जाते हैं। अरे ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छे हैं ना, वो सलाम आते, वो भिड़ते नहीं, वो उसमें जरा में नहीं पड़ते कि आपने क्या कहा। अभी बताता हूँ कैसे कह दिया आपने, तो आप भी गोया कि वही जहालत का काम करने वाले हो गए। अब नतीजा क्या निकलेगा उसका, समाज कैसे बनेगा? कुछ तो समाज बनाने वाले होने चाहिए, और समाज बनाने वालों को तो बुधबार बहुत बर्दाश्त करने वाला, तहम्मुल करने वाला होना चाहिए। दाइयों की जो सबसे बुनियादी सिफत है काम करने वालों की, वो कुव्वत बर्दाश्त है। अगर कुव्वत बर्दाश्त नहीं है तो दीन का काम कोई आसान नहीं है। आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा है, मक्का मुकर्रमा का पूरा जो ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरा, वो किस तरह गुजरा? आप तो दावत देते रहे और हर तरह की तकलीफें उठाते रहे। क्या कसर छोड़ी थी मुशरिकीन मक्का ने, लेकिन हुक्म था कि कुफ्फू अयदियकुम वअकीमुस्सलाह, कुफ्फू अयदियकुम वअकीमुस्सलाह, हाथ ना उठाना, बर्दाश्त करो, और नमाज से मदद चाहो नमाज कायम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह, ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब नमाज से भी सब्र पैदा होता है, अल्लाह की तरफ आदमी मुतवज्जे हो जाए बस काम आसान हो जाता है। फिर दुनिया के चक्कर में थोड़ी पड़ता है वो, फिर ख्याल में नहीं रहता कि फलाने ऐसा कहा तो हम ऐसा कहेंगे, फलाने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। ये सेवा ईमान वालों का, हकीकी ईमान रखने वालों का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वालों का। वआरिद अनिल जाहिलीन, जहालत करने वालों से एराज कीजिए, गुजर जाइए, इसके चक्कर में ना पड़िए। ये हमें सिफात बताई गई है, कैसी मुबारक और कैसे आला दर्जे की सिफात और अखलाक हैं। वाकई अगर ये हमारे समाज में आ जाए तो समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, लेकिन इसका शम्मा भी नज़र नहीं आता। हम लोगों का हाल जो है, ये चीज़ें नज़र नहीं आती, बात बात पर झगड़े, लड़ाइयाँ, फिर उस हद तक आगे बढ़ जाते हैं अपना ही नुकसान करते। अरे दूसरे का नुकसान होगा तो अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारा नुकसान हो रहा है। जायदाद के झगड़ों में क्या होता है, मुकदमेबाजियों में पूरी पूरी जायदाद बिक जाती है जिसके लिए झगड़ा हो रहा। क्या मिला तुम्हें? कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, भाई ना दीन मिला ना दुनिया मिली, कुछ ना मिला, झगड़ा करके दीन गया और फिर सारा पैसा खर्च कर दिया अदालतों के चक्कर काट काट कर, दुनिया भी चली गई, कुछ नहीं मिला। लेकिन आदमी ऐसा पागल होता है अपने नशे में, जो अंदर ताकत का नशा हो उसको आप कह लीजिए, या और किसी किस्म का आप गुरूर कह लीजिए, वो एक अना जो होती है, ये अना इंसान को तहत सरा में पहुंचा देती, ऐसा गिराती है कहीं से कहीं पहुंचा देती, तो इसको निकालना असल है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलयाफू वलयस्लहू वला तुहिब्बून अन यग़फिर अल्लाह लकुम, उनको चाहिए कि माफ़ करते रहें, दरगुजर करते रहें। क्या तुम्हें पसंद नहीं कि अल्लाह तुमको माफ़ करे? जब तुम दूसरों को माफ़ करोगे अल्लाह तुमको माफ़ करेगा। इसका जिक्र पहले कई मरतब आ चुका है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में इस पर फैसले फरमाएंगे
ये हमारा बंदा माफ कर दिया करता था, दरगुजर कर देता था, देने के बाद छोड़ देता था, तो हम तो इससे ज्यादा हकदार हैं कि जो इसने कोताहियां की हैं इन कोताहियों से हम भी दरगुजर कर माफ कर दें। और कौन है जिसको अल्लाह की माफी की जरूरत ना हो, है कोई दुनिया में ऐसा? अगर अल्लाह माफ ना करे और पकड़ करने पर आ जाए तो कोई छुड़ा नहीं सकता। मन्नू किशफ हिसाब हलक, जिसकी बाज पुरस की जाए, अब एक एक चीज पूछी जाए, उसको अच्छी तरह से उसको परखा जाए, तो बच नहीं पाएगा आदमी, हलाक हो जाएगा। आप दुनिया में बहुत मामूली मिसालें देख लीजिए, अगर कोई हुकूमत के लोग पीछे पड़ जाएं, आप लाख जतन कीजिए बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई इससे मेख निकालेंगे वो। और अगर छोड़ना चाहें तो कुछ नहीं, जाओ। अल्लाह ताला कादिर मुतलक, अहकमुल हाकिमीन, शहंशाह बरहक, शहंशाह शहंशाहों की हकीकत सब उसके कदमों के नीचे, उसका मामला ऐसा है। और फर्क क्या है? बहुत बड़ा, वो तो खालिक है, यहाँ सब मखलूक है। और फिर ये कि उसकी रहमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो कहता है कि मेरी रहमत गजब पर गालिब, मोहब्बत के 100 हिस्से फरमाए तो 99 हिस्से अपने पास रखे और 1 हिस्सा तकसीम कर दिया दुनिया में। माँ की मोहब्बत उसी 1 हिस्से का नतीजा है, उसकी मोहब्बत तो माँ से ज्यादा है। उससे आदमी मांगेगा, उससे उसके सामने आंसू बहाएगा, वो कभी वापस नहीं करता, वो कभी वापस नहीं करता, वो जरूर देता है। तो उसकी उसकी रहमत की हम सबको जरूरत है। सबसे ज्यादा मुतवज्जे होता है मोहब्बत के साथ और रहमत फरमाता है जब बंदा बंदे के साथ मोहब्बत करता है, जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के दूसरे बंदे के साथ दरगुजर का आफ का मामला करता है, अल्लाह तबारक ताला उस बंदे के साथ खुसूसी रहमत का और आफ दरगुजर का मामला फरमाते हैं। وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم। वही बात फरमाई कि नेकी और बदी दोनों बराबर नहीं हो सकते। ادفع بالتي هي أحسن, तुम्हारे साथ कोई बुराई भी कर रहा है तो तुम उसको अच्छे तरीके पर उसका बदला दो, बेहतर तरीके पर तुम उसको बदला दो, तुम उसी बुराई को मत लौटाओ। तुम्हारे साथ जो बुराई कर रहा है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, नतीजा क्या होगा? फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीयुन हमीम, होगा ये कि जिस तुम्हारे दरमियान उसके दरमियान अगर दुश्मनी है, अदावत है, कल वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाए, कल वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। कब तक? कब तक वो आखिर कांटे तुम्हारे रास्ते में डालता रहेगा? उसको ख्याल पैदा होगा कि भाई ये तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझे बड़ा धोखा है, मुझे भी चाहिए कि मैं इसे ताल्लुक रखूं, और ये गलत फहमी है मेरी, मैं इनके साथ गलत सलूक कर रहा हूं। आदमी बार बार अगर सलूक करता रहे, अच्छा मामला करता रहे, तो हालात बदल जाते। और इसीलिए आप देखिए बुजुर्गों की जिंदगी में, अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी में ये चीज बहुत है, बहुत है। कभी वो बुराई करने वालों के साथ बुराई नहीं करते, हमेशा वो उनके साथ अच्छा सलूक करते। हो सकता है बाल लोग उसको बेवकूफ़ी समझते हो कि कैसे आदमी है जो इनके माल लूटता है, जो इनका बुरा भला कहता है, जो इनके साथ बदसलूकी करता है, उसके साथ ये सलूक करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसकी बड़ी कीमत, ये आला दर्जे की अक्ल और होश की बात है कि आदमी आगे जो होने वाला है, जो नताज उसके सामने आने वाले हैं, उनका ख्याल करें। भाई दुनिया किसको अकलमंद कहती है? आज का 1 रुपये का फायदा लेने वाला या कल के 10,000 रुपए का फायदा लेने वाला कौन अकलमंद दुनिया में कहा जाएगा? कोई क्या मुझे 1 रुपये आज मिलना है, मुझे दे दो, अरे कल का कल देखेंगे क्या होगा, पता नहीं मिले ना मिले। दुनिया बेवकूफ़ कहती है, नादान कहती है उसको। देखिए सऊदी अरब में शाह अब्दुल अजीज का जमाना था, किसका? मोहम्मद असद, जो यहूदी थे, बाद में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी उनको। वो वहां पर गए थे, उनको बुलाया गया था जायजा लेने के लिए। जमीन देखी उन्होंने तो कहने लगे, जमीन तो आपके पास बहुत बड़ी है और अच्छी भी है, मेहनत करनी पड़ेगी, 10 साल अगर आप इसे मेहनत कर लेंगे तो इतनी काश्त आपकी होगी कि आप दुनिया में सप्लाई करेंगे। उन्होंने उस सच जवाब दिया था, हमसे ये ना हो पाएगा, हम तो कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, कौन 10 साल इंतजार करेगा। उनका ही जवाब ऐसा था कि दुनिया के लोगों ने उसको अच्छा नहीं समझा,
इसको कोई बहुत दानिशमंदी की बात नहीं समझा गया। और आप सब जानते हैं जो तरक्की याफ्ता कौमें इस वक्त हैं, अगर आप उनके उनकी तारीख देखिए तो उनकी प्लानिंग कोई 2 दिन की नहीं है, बहुत वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लंबी प्लानिंग करते हैं, और उस लंबी प्लानिंग के नतीजे में वो अपना अपनी जो मंजिल है वहां पहुंच जाते हैं। हाथ पर सरसों नहीं उगाई जा सकती, वक्त लगता है। आदमी अगर तरतीब से चलेगा, आराम से काम करेगा तो बहुत आगे तक जाता है। तो ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है कि एक दिन में आपको सब मिल जाए उसके बाद फुर्सत। हम मुसलमानों का हाल है यही, दुकान लेके बैठेंगे, हर तरह की खयानत करेंगे, आज ही हमें सारा नफा मिल जाए, झूठ बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कौन आएगा आपकी दुकान के पास? 2-4 रोज के बाद सारी कलाई खुल जाएगी, खत्म हो जाए किस्सा। और आमतौर से जो बहुत मजबूत किस्म के लोग होते हैं, मजबूत दुकानदार, वो बहुत आगे तक सोच के चलते हैं कि आज हम 1 पैसे का फायदा ले रहे हैं, कल हर तरह के लोग हमारे पास आए और हजारों हमारे ग्राहक हो जाएंगे। जो 1 पैसे का हम फायदा ले रहे हैं एक आदमी से, वही 1 पैसे का फायदा लाखों तक जाएगा। और बेवकूफ सोचता है कि 1,000 आज ही ले लो, 100 रुपए आज ही ले लो, कल मिले ना मिले देखा जाएगा। तो बेवकूफ है कि अकलमंद है? आप गौर कीजिए आखिरत का फायदा कितना बड़ा है। जो दुनिया के जो नफे आदिल जिसको कहते हैं, जिसको मता कहा गया, थोड़ा सा फायदा दुनिया का, उसके चक्कर में पड़ के आखिरत को बर्बाद करे, उससे बड़ा बेवकूफ कौन है दुनिया में? दुनिया उसको चाहे आखिरी दर्जे का अकलमंद समझती हो जो दुनिया कमा रहा है और आखिरत को छोड़ रहा है, लेकिन वाकया ये है कि पल्ले दर्जे का बेवकूफ और नादान हो। और अकलमंद कौन है? जो असल नफे को सामने रखे। तो अब ये चीज असल है, इस पर अगर आदमी तवज्जो करे तो फिर उसके लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। कि कोई अगर बस सलूकी भी कर रहा है तो हम उसके साथ इसलिए सलूक कर रहे हैं कि दुनिया में तो ये चीज अजीब सी मालूम होती है, लेकिन इसका नतीजा बहुत अच्छा है। और असल नतीजा देखना होता है, नतीजा अगर अच्छा मिल रहा है तो बड़ी कामयाबी की चीज है। इसीलिए बात फरमाई जा रही है कि ये ऐसी कीमती बात है, हर एक को नहीं मिलती। ये तो उन्हीं लोगों का नसीबा है जिनको अल्लाह कुव्वत बर्दाश्त देते हैं, जिनको अल्लाह सब्र की ताकत देते हैं, ये उन्हीं लोगों को चीज मिलती है। वला वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये चीज़ तो बहुत बड़े नसीबे वालों को ही मिलती है, हर एक को नहीं मिलती। अल्लाह ताला जिसको कुव्वत बर्दाश्त देते हैं, जिसको नवाजना चाहते हैं, अल्लाह उसको इस तरह की सिफात अता फरमा देते हैं, माफ करता है, दरगुजर। और ये तो जो बहुत अल्लाह के खास बंदे होते हैं, बाद जगह तो ये बात कही कि जो अब्दाल कहलाते हैं, और आगे जो दुनिया में चंद लोग होते हैं उनकी जो सिफात बयान की गई है, उसमें ये नहीं लिखा है कि रात को 1,000 रकातें नमाज ही पढ़ते हैं और दिन भर फिर रोजा ही रखते हैं। उनकी जो सिफात बयान की गई बुनियादी तौर पर वो ये है कि वो अल्लाह के बंदों का ख्याल करते हैं, वो अल्लाह के रास्ते में बेदरे खर्च करते हैं, ये उनकी असल बुनियादी सिफत है। وقال تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور, वही बात यहां भी फरमाई कि जो भी सब्र से काम लेता है और माफ करता है तो ये बड़े दिल गुर्दे के काम, ये बड़े दिल गुर्दे के काम। लोग कहते हैं बुजदिल है, अरे उसने थप्पड़ मारा था तुम बर्दाश्त कर गए, आ गए थप्पड़ खाकर, अरे 3 थप्पड़ मारने चाहिए थे। और जो आ जाता है बर्दाश्त करके, लोग कहते हैं बड़ा बुजदिल है। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है जो थप्पड़ खा के आ गया और उसने बदला नहीं लिया, ये बहुत दिलगुर्दे वाला आदमी, असल ये पहलवान है। इसलिए हदीस में आता है कि पहलवान किसको कहा जाता है? जो पछाड़ दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? कौन है पहलवान? मन यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, कि जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे, वो असल पहलवान। पहलवान वो नहीं है उठा के पड़ दे, उठा के पटखने वाला पहलवान नहीं है, वो तो नादान है, क्या जाने। वो पहलवान वो है जो गुस्सा जब आए गौर करे कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ क्या गुस्से का इजहार मुनासिब है? नहीं नहीं है, तो गुस्सा हमें पी जाना है। वलकाज़िमीन अलगैज, ये असल सिफत है, ये असल दिलगुर्दे की बात है। अल्लाह ताला इसको फरमाए कि दिलगुर्दे के काम, माफ कर देना, दरगुजर कर देना, पी जाना, सब्र करना, बर्दाश्त कर लेना, कुव्वत बर्दाश्त सबसे बड़ी चीज। बार बार हदीस सुनाई गई कि मा उतिया अहदुन
आतान खैरन व औसा मिन सब्र, कि किसी को सब्र से बढ़कर और सब्र से बेहतर कोई तोहफा नहीं मिला। सबसे बड़ा तोहफा कुव्वत बर्दाश्त, और सबसे कम यही चीज़ आज समाज में नजर आती, बर्दाश्त नहीं होता, जरा सी बात हो गई बस ऐसी मिजाज में उसके रद्द अमल में चीज़ें सामने आती हैं कि उसका फिर क्या नतीजा निकलेगा, वहां से भी रद्द अमल, यहाँ से भी रद्द अमल, भी झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين امرين قط الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اسما فان كان اسما كان ابعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لنفسه في شيء قط الا ان تنتهك حرمه الله وينتقم لله تعالى حضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا तो हमेशा आप आसान चीज अख्तियार फरमाते जब तक गुनाह ना, हाँ गुनाह अगर होती तो आप उससे सबसे ज्यादा दूर रहने वालों में से थे। आपका ये तरीका था कि सहूलत अख्तियार फरमाते थे, और ये इसलिए ताकि उम्मत के लिए सहूलत के रास्ते खुल जाए। अगर आप हमेशा सख्त चीजें अख्तियार फरमा लेते तो फिर उम्मत के लिए वही रास्ता तय कर दिया जाता, लेकिन आप हमेशा आसान चीज अख्तियार फरमाते थे तो अल्लाह ने उम्मत के लिए भी आसानी पैदा फरमाई कि भाई आसानी से ही काम हो जाएगा, इस तरह कर लो, जरूरी नहीं कि बहुत तुम सख्त मशक्क़त उठाओ, दुशारियों पर पड़ो। तो अल्लाह ने यह आसानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उम्मत को अता फरमाया, और फरमाया कि आप कभी अपनी ज़ात के लिए किसी चीज़ में इंतकाम नहीं लेते, कोई भी आपको तकलीफ हो जाए लेकिन आपने कभी बदला नहीं लिया। यहाँ तक जहर खिलाने वाली यहूदिया, जिसने जहर खिला दिया, पूछा था ना कि गोश्त कौन सा हिस्सा आपको पसंद है, बताया गया कि दस्त का हिस्सा पसंद है, उसी में खूब उसने जहर मिलाया, खूब शानदार भूनी उगर रहा और ये दस्त, और भून के आपको भेज, लेकिन उसने आप मुंह में ले गए, उसने कहा इसमें जहर, अल्लाह ने आपको बतरीक़े वाह बता दिया। तो ये बताया, कहा गया कि आए अल्लाह के रसूल आप हुक्म दें, उसको तो आपको कत्ल करना चाहती थी, शहीद करना चाहती थी, ये तो कातिला है, इसका सर कलम कर दिया जाए। आदमी फरमाया नहीं नहीं इसकी जरूरत है। कितने वाकयात थे, किस कदर माफ फरमाने फरमाने वाले थे आप। वहाँ जो गज़वा-ए-ज़ात और रेखा का किस्सा है कि वो आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए, तलवार हाथ में उठा ली उसने, और ये कहा बताइए आपका, अब कौन बचाएगा आपको, क्या जाने आपने, बस न जाने किस जलाल के साथ फरमाया अल्लाह, बस ये फरमाना था, तलवार हाथ से छूट गई, आपने उठा ली तलवार, बताओ तुम्हें कौन बचाएगा, आप तो बड़े करीम हैं, रहीम हैं, बड़ा है। इस्लाम लाते हो नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ठीक ठीक से निकल जाओ, भाग जाओ, देखने ना पाए कोई, आखिरी बात है ये, जो शहीद करने आया और फिर इस्लाम भी नहीं लाता, आप कहते चुपके से निकल जाओ, कोई दूसरा कोई देख ना ले, किसी को पता चल जाए तो मैं कोई तकलीफ ना पहुंचा दे, आखिरी दर्जे की बातें हैं ये। अल्लाह अकबर, अगर ये नमूना उम्मत इख्तियार कर ले तो दीन की कैसी हसीन तस्वीर लोगों के सामने जाए, और ये सब जो कुछ हो रहा है सारी चीज़ों से एक लाख छुट्टी मिल जाए, लेकिन बस अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, अगर कहीं पर अल्लाह की जो हराम की हुई चीज़ है उस पर अगर जद पड़ती थी, कोई रेड लाइन क्रॉस करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बदला लेते थे, वहाँ पर बदला लेते थे, और कहते ये गलत है। जैसे मैंने मिसाल अर्ज की कि एक खातून ने चोरी की, शरीफ खानदान की थी, लोगों ने सिफारिश की, तो आपने क्या फरमाया कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसका भी हाथ काटूं। इसमें रियायत नहीं कि अल्लाह के जो हदूद हैं वो जारी की जाएंगी, जब निज़ाम उसका सामने आ जाएगा तो उसमें भी कोई रियायत नहीं। عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه فادركه اعرابي فجبذه بردائه جبذه شديده فنظرت الى صفحه عاتق النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد اثرت بها حاشيه الرداء من شده جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. آخر درجے کی بات، متفق علیہ روایت،
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, हज़रत अनस साथ थे, और एक नजरानी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी हुई थी, जिसका जो किनारा था वो बड़ा सख्त था। तो एक बद्दू ने आपको पकड़ा, और पकड़ने के बाद चादर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेकर तेजी से उसको घसीटा अपनी तरफ। फरमाते हैं, मैंने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर गर्दन की तरफ देखा, गर्दन का ये जो हिस्सा होता है साइड का, तो फरमाते हैं कि उस हाश चादर के किनारे का असर उस पर था, निशानात बन गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर उसके खींचने की वजह से। कोई और होता तो कहता हूँ दिमाग खराब हुआ है, पागल हो गए हो, क्या चाहते हो तुम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, आपने फरमाया, बल्कि उसी ने पहले ही कहा खींचने के बाद नाम लेकर कहता है, मोहम्मद जो अल्लाह ने आपको माल दिया है मुझे भी दो, तुम्हें जो माल मिला है मुझे भी तो दो, ये क्या बात है अपने पास रखे हुए हो। इस तरह तुंदी और तुर्शी से वो सवाल कर रहा है और इंतहाई बेअदबी और गुस्ताखी का मामला कर रहा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि आप मुस्कुराते हुए मुतवज्जे होते हैं, मुस्कुराते हुए मुतवज्जे होते हैं, और फिर कहते हैं भाई इसको कुछ दे दो, इसको कुछ दे दो भाई, ये आखिरी दर्जे की बात, मिजाज शनासी की बात। भाई वो देहाती बद्दू कुछ नहीं जानता, आदाब से नावाकिफ, तो वो इस तरह की हरकतें कर रहा, घसीट रहा है और कह रहा लावे कुछ दो, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। और इस तरह के देहाती लोगों में इस तरह के तमाशे होते भी, वो कुछ भी कर सकते हैं, लतीफे में बहुत सारे होते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक आदमी टोकरा लेकर आया और अपनी देहाती जबान में कहा, हजरत तुम्हारे लिए हदिया है ये, तो हजरत को जरा तकद्दुर हुआ, कहने लाओ मेरे सब रख दो खोपड़ी पे, गुस्से में कहा, उसने उठाया और खोपड़ी पर रख दी। अब बेचारे देहाती कह जाते ये हजरत ने किस लहजे में बात कही, लेकिन अल्लाह अकबर, हुजूर से बढ़ के कौन हो, अल्लाह हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, आपकी रियायत, आपकी मुरव्वत और आपकी अल्लाह के बंदों के साथ आखिरी दर्जे में नरमी, इसकी ऐसी मिसालें हैं कि अकल दंग रह जाए, लेकिन यही नमूना है, आदमी इसको अख्तियार करे। यह हदीसें हमारे लिए बहुत कुछ सबक देती हैं कि अपनी ज़िंदगी का कम अज़ कम आदमी जायजा तो ले, जिस हद तक भी कर सकता हो, अगर ये ज़िंदगी में चीज़ें दाखिल हो जाएँ तो घर भी जन्नत बन जाए, और हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ अल्लाह की तरफ से हमें ऐसी महबूबियत हासिल हो जाएगी। आप हर एक के साथ शफ़क़त कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, दुनिया आपसे मोहब्बत करें, दुनिया का निज़ाम यही, आप दुश्मन के साथ सलूक कीजिए, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।